अब इतना बड़ा हार केरला की एक लड़की। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू डेली शहर व्लॉग। तो आज का व्लॉग हम चालू करते हैं तामीर मार्केट, इसको बोलते हैं सूक तामीर। तो यहाँ पुराना मार्केट है रियाद का ये। तो यहाँ से कुछ सामान लेने के लिए हमारे बॉस यानी अब्दुल्ला के पिताजी और उनके मदर आए हैं। अभी टाइम हो रहा है 4 और मेरे जिस्म में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, पैर पूरे ढीले हो गए, अल्लाह रहम करे। यहाँ देखो कबूतर आए हुए हैं, ये कबूतर, ज़्यादातर ऐसे ही कबूतर देखने को मिलेंगे यहाँ पे। यहाँ पर ये दाना गिना बिकता है, इसीलिए जो है बहुत जो सीड्स होते हैं ना बीज, वो बहुत बिकते हैं। ये सारे दुकान उसी के है। और इधर खिलौनों की दुकान है, देखो ये वो साइड में जो दिख रहा है आपको, वहाँ पर जो है घावा मिलेगा जो अरबिक कॉफ़ी होता है। और ये जो बड़ा वाला बिल्डिंग है मरकज़ आपको ऊपर दिख रहा है लिखा हुआ, इसके पीछे साइड में गोल्ड मार्केट है, तामीर गोल्ड मार्केट। और ये सारा कपड़ों का वगैरह मार्केट है पूरा मिक्स। तो दोस्तों यही है वो तामीर मार्केट, गोल्ड की सोने की मार्केट। देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना बड़े बड़े हार बना के रखे हुए हैं। मैं इसके अंदर नहीं जा रहा हूँ रेट पूछने के लिए, अंदर जाएंगे तो रेट पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखो बाहर डिस्प्ले में लगा हुआ है, वैसे बारकोड के साथ है नंबर से इसके बारकोड। यहाँ नीचे अंगूठियाँ रखे हुए हैं और ये बड़े बड़े हार। अब इतना बड़ा हार केरला की एक लड़की की शादी में देखा था मैं, केरला पूरे गोल्ड है भाई, गोल्ड 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 गोल्ड, सऊदी अरब का गोल्ड ओरिजिनल, 21 कैरेट मुमकिन 24 कैरेट। यहाँ पर देखो बच्चों के खेलौने खेलने के लिए गाड़ियाँ लगा के रखे हुए हैं, ये बच्चा लोग चलाता है इधर। लगता है अभी आ गए हैं, अभी जाना पड़ेगा रूम पे। आए थे मिठाई की दुकान में, तो यहाँ पर देखो किस किस तरह के चॉकलेट लगे हुए हैं, पूरे चॉकलेट है ना, है फलाफिल। फलाफिल बोले तो किस चीज के बनते हैं? कौन बताना है? चने, चने के आटे को डाल के घुमा के घोटा मार के इसको इसके अंदर और चने का। तारी के बाद मगरिब की नमाज पढ़ के आने के बाद में फिर से हमारे सोहेल भाई क्या की बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं साहब? ये आम है, आम हाँ। प्लस कैरी बोलते, क्या बोलते हैं इसको? हाँ केरला का है, राजापुरी बोलते हैं इसको, राजापुरी। राजापुरी, राजापुरी जबरदस्त मीठा था, मैं खाए जब। वैसे हम इंडिया सऊदी में रह के हर जगह का हर कंट्री का फूड खाते भाई, हर हर स्टेट, हर कंट्री, हर स्टेट का फ्रूट हमारे को। हैदराबाद में रहे तो खाली हैदराबाद के छोटे छोटे गाँव के आना। हाँ तो भाई आम काट दिए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, चलो बिस्मिल्लाह। को मालूम था ये पता नहीं उनके लिए, उनके लिए नहीं खाते क्योंकि मैं कल खा लेके था, पूरा आम खाया भाई। वालेकुम, अभी मैं किंग खालिद रोड पे खड़ा हुआ हूँ, अब्दुल्ला को जो अब्दुल्ला है उसको छोड़ने के लिए आया था। तो यहाँ पर मेरे को हरली डिवीजन जो ग्रुप है रियाद का, यहाँ देखो क्या बाइक्स खड़ी हुई है और कितना, इधर 3 बाइक है, फिर आगे जा कर के 2 बाइक है, पूरा BMW हरली डिवीजन माशाल्लाह। ये देख सकते हैं आप यहाँ खड़े हुए ये लोग, बहुत 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 ग्रुप है यहाँ पर। ये जो है काम यानी पता नहीं ये शौक के लिए करते हैं या एडवर्टाइजिंग के लिए करते हैं, क्या करते हैं अल्लाह आलम। हार्ली डिवीजन हमारे गुरु करके है जिद्दा में, गुरु व्लॉग्स, उन्होंने भी व्लॉग बनाते, वो भी हार्ली डिवीजन के ग्रुप के मेंबर ही होंगे मुमकिन,
एक बार मेरे को इस मस्जिद में तरावी पढ़ने का मौका मिला था। ये वाली मस्जिद में मैं एक बार तरावी पढ़ चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये किंग सलमान रोड पे है और आगे जो मैं आपको बताया था, जो आपको साइन बोर्ड दिख रहा है वहाँ तक जो है 100 का स्पीड का लिमिट था, अभी देखो ये पूरा 120 का लिमिट होगा। ये वैसे एयरपोर्ट रोड है, सीधा सीधा आपको ले जाएगा एयरपोर्ट। अब यहाँ से आप एग्जिट ले लोगे तो जाएगा किंग फहद रोड सेंटर सिटी, यहाँ से राइट लेंगे तो जाएगा सेंटर सिटी किंग फहद स्ट्रेच, सीधा जाएंगे एयरपोर्ट जाएगा और आगे से राइट टर्न लेकर घूम के जाएंगे तो सीधा मदीना अल मुनव्वरा मक्का और अल गसीम हाइल पूरा रोड है इधर से। दोस्तों मैं जा रहा हूं अभी हमारे एक पाकिस्तानी टेलर चाचा के पास, तो ये देखो साइकिलिंग ग्रुप सामने आ गया है मेरे ये साइकिलिंग करने वाले लंडे, क्या बात है क्या बात है, जबरदस्त माशाल्लाह, अच्छा सा ग्रुप है इनका। चलो इनको थोड़ा सा कट मार के निकलते हैं हम आगे। देखो 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 कैसे निकल रहे गाड़ियों के बीच बीच से, अरे रे 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 गाड़ियों के बीच बीच से निकल रहे हैं ये लोग। अच्छा इनको भी सीधा ही जाना है। चलो भाई तुम आ जाओगे मेरे YouTube चैनल में आज इंशाल्लाह। तो ये आ गया हमारे पाकिस्तानी चाचा का टाइलर का शॉप। बिना इंडिकेटर के मैं गाड़ी पलटा लिया, गलत किया। देखो चाचा अंदर काम चल रहा है चाचा का। तो ये शॉप है हमारे चाचा का, ये देखो अंदर सारा कपड़ा सिलते हैं, ये अकेले ही है माशाल्लाह। चाचा कितने साल से काम कर रहे हैं आप? 25 साल? बहुत ज़्यादा टाइम हो गया चाचा को सऊदी अरब में, और इनके बेटे भी इधर ही रहते हैं माशाल्लाह। ये देखो सारा लेडीज़ का कपड़ा सीते हैं। यहाँ पर इंटरी नहीं है अंदर, देखो यहाँ पर भी लगाया हो फॉर सेफ्टी प्लीज स्टे हियर, यानी अंदर नहीं जा सकते, डोर लॉक रहेगा। चाचा ढूंढ रहे हैं हमारे कपड़े माशाल्लाह। वैसे ये शोभरा पे है शॉप, यहाँ पूरा पुराना दुकान, पुराना सामान का दुकान है, जैसे सोफ़ा लगा हुआ है सब यूजेड है यानी पुराना। शोभरा इधर जाएंगे तो दल्ला जाएंगे ड्राइविंग स्कूल। आया था एक शॉपिंग मॉल के पास, तो यहाँ पर देखो पुराने पुराने सामान लगा के रखा हुआ है, पुराना टेलीफोन, ये सारा पुराना सामान यहाँ पर देखो माशाल्लाह। संदूक में सारा सामान भरा हुआ है। ये पता नहीं क्या है, गोल गोल टिफ़िन के डब्बे जर्मन के माशाल्लाह। ये पुराना रेडियो, यहाँ पर पुराना रेडियो देखो, यहाँ पर छल्ले है और बटन से, ये कलम, पूरा बाज़ार है ये यहाँ पे भाई। वही कल वाली सेम मार्केट के पास आया था वापस करने के लिए, तो यहाँ पर छोटा सा बाज़ार लगता है, जैसे बड़े बड़े दुकानों के सामने छोटे छोटे टेबल डाल के जो लोग बेचते हैं ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन सब औरत लोग बैठे हुए इसीलिए वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि भाई मेरे को डर लगता है जहाँ पर औरत होते हैं यहाँ वहाँ वीडियो बनाना मसला हो जाता है, इसीलिए ना नहीं बनाता हूँ मैं। अच्छा है, मेरी सेफ्टी के लिए सही है, आप लोगों के लिए भी सही है, क्योंकि मैं मार खाते हुए आप लोग देख पाओगे। ड्यूटी ख़त्म हुआ है फजर के 3 बजे, 3 बजे आदमी बनाएगा क्या, खाएगा क्या, क्या करेगा 3 बजे? ये दिन पे दिन टाइम बढ़ता जा रहा है, अभी 2-4 दिन से जो है 2 बजे 2:30 बजे ऐसा चल रहा था, आज डायरेक्ट 3 बज गया। अल्लाह रहम करे मेरे पे भी और वो लोगों पे भी, अल्लाह रहम करे, हस्बी अल्लाह नियम अल वकील। अभी बना रहा हूँ खाना, खाएंगे बना के, क्या करें, मिलते हैं।